कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले की। कोलकाता में निर्भया कांड पर आधी रात के अंधेरे की जब कोलकाता कांड की सीबीआई जांच शुरू हुई थी तो देश को लगा कि अब इस रेप मर्डर केस को लेकिन जितने भी सवाल हैं उन सभी का जवाब मिल जाएगा। लेकिन सीबीआई जांच शुरू होते ही कल कोलकाता के उस अस्पताल में जबरदस्त हिंसा, उपद्रव और तोड़फोड़ हुई जिसमें डॉक्टर बेटी को रेप के बाद क्रूरता से कत्ल कर दिया गया था। इंसाफ मांगने के नाम पर अचानक हजारों की भीड़ जुटी और अस्पताल के कैंपस में घुसकर सब तहस नहस कर डाला। बड़ा सवाल है कि निर्भया को इंसाफ को लेकर जो आंदोलन पिछले 5 दिन तक हिंसक नहीं था उसमें सीबीआई जांच शुरू होते ही उपद्रवी कहां से घुस आए? क्या उपद्रव की आड़ में सबूत मिटाने की कोशिश हुई है? आधी रात को कोलकाता की बेस्ट पुलिस बेबस पुलिस बन गई। आधी रात को कोलकाता में गुंडा राज कायम हो गया। आप यहां का कंडीशन देख सकते हैं, हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है। आधी रात को 1 घंटे तक 5,000 उपद्रवियों की भीड़ ने कानून के रखवालों को तमाशबीन बना दिया। कल शाम को ही बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बांग्लादेश से बंगाल की तुलना की थी। कहा था कि बंगाल में बांग्लादेश जैसा माहौल तैयार करने की साजिश हो रही है। ममता के इस बयान के कुछ ही घंटे बाद बंगाल में बांग्लादेश जैसी तस्वीर देखने को मिल गई। लोगों ने हम लोग पे अटैक किया, अभी हम लोग छुपके दौड़ के सभी भागे हैं। ये वीडियो बनाने वाला शख्स खुद को आरजी कर मेडिकल कॉलेज का एक रेजिडेंट डॉक्टर बताते हुए क्या कह रहा है आप भी सुनिए। हम लोग यहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर हैं, आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं, हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टेम्पर किया जाए और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। कल शाम को ही ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस की शान में कसीदे पढ़े थे, तारीफों के पुल बांधे थे, कोलकाता पुलिस को दुनिया की बेस्ट पुलिस करार दिया था और कुछ ही घंटे बाद उस बेस्ट पुलिस की पोल खुल गई जब रेप मर्डर जैसे बेहद संवेदनशील केस में ममता की पुलिस उस जगह की हिफाजत नहीं कर पाई जहां लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या के सबूत आखिर किसे डरा रहे हैं? सीबीआई जांच शुरू होते ही हिंसा क्यों हुई? इन सवालों के बीच कोलकाता कांड की सीबीआई जांच से कतराने वाली ममता सरकार ने अब सीबीआई पर जल्द जांच पूरी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने सीबीआई के लिए 25 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी है क्योंकि ममता बनर्जी का मानना है कि 90% जांच कोलकाता पुलिस ने ही पूरी कर दी। फांसी हो दोषी ने एवं आगामी रविवार मध्ये सीबीआई के फांसी व्यवस्था करते हैं এবং পুরোপুরি তদন্ত গঠিত করতে হবে, যদিও আমাদের কলকাতা পুলিশ তদন্তের 90% করে নিয়েছে। इधर ममता की बेस्ट पुलिस उपद्रवियों की पहचान में जुट गई है। वीडियो फुटेज के आधार पर अस्पताल में बवाल काटने वाले उपद्रवियों को चिन्हित किया गया। इस भीड़ में लड़के लड़कियां दोनों शामिल थे। लेकिन कल रात में क्या करने की तैयारी थी और क्या कर दिया गया वो समझना भी बेहद जरूरी है। कल यानी 14-15 अगस्त की आधी रात को कोलकाता की सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन करने का प्लान रिमझिम सिन्हा ने बनाया था। रिमझिम ने इसे द नाइट इज आवर का नाम दिया था। थीम ये थी कि भारत को 14-15 अगस्त की आधी रात को आजादी तो मिल गई, लेकिन आजादी के 77 बरस बाद भी महिलाओं को दरिंदों से आजादी नहीं मिली है। रिमझिम सिन्हा इस कार्यक्रम की संयोजक थी जो समाज शास्त्र की रिसर्चर है और प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय की छात्रा है। रिमझिम ने यही पोस्टर बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया था और महिलाओं से आधी रात प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी। इस प्रदर्शन में छात्राओं के साथ उनके माँ बाप भी शामिल हुए, लेकिन पोस्टर देखते ही किसी और ने भी प्लानिंग बना ली जिसकी भनक न रिमझिम को लगी न दुनिया की बेस्ट पुलिस को। ममता बनर्जी भले ही अपनी पुलिस की पीठ थपथपाते थक नहीं रही हों,
लेकिन रक्त रंजित राजनीति वाले बंगाल की राजनीति में कोलकाता में 8 अगस्त की रात से 14 अगस्त की रात तक जो कुछ भी हुआ उसने बंगाल में कानून व्यवस्था की बदरंग तस्वीर पूरी दुनिया को दिखा दी है। मोदी सरकार के तीसरे टर्म में क्या यूसीसी कंफर्म होने जा रहा है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी के भाषण में विकसित भारत का लक्ष्य था और देश में बहुत बड़े न्यायिक सुधारों के संकेत थे। रिकॉर्ड 98 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने न्यायिक सुधार की बात कही, साथ ही समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 75 साल से देश में जो सिविल कोड लागू है वो कम्युनल सिविल कोड है और अब वक्त की मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड लागू हो। देखिए, चौबीस का एक्शन मोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। सेक्युलर यूसीसी का टाइम आ गया। सांप्रदायिक यूसीसी का टाइम खत्म। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान क्या भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की शुरुआत का संकेत है? क्या मोदी सरकार अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक्शन मोड में आने वाली है? क्योंकि पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में साफ कहा कि सेक्युलर सिविल कोड वक्त की मांग है। देश का एक बड़ा वर्ग मानता है कि देश में अभी जो सिविल कोड लागू है वो एक कम्युनल सिविल कोड है, इसमें बदलाव की जरूरत है और आने वाले वक्त में इसमें बड़े बदलाव के उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। एक ही देश में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून हैं। मतलब क्रिमिनल केसेस के लिए तो देश के सभी लोगों के लिए समान कानून है, लेकिन जब बात संपत्ति, विवाह, तलाक के नियमों की हो तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाइयों के लिए अलग अलग कानून है। भारत में जो मौजूदा सिविल कोड लागू है उसमें हिंदुओं के अलावा बौद्ध, जैन और सिख शामिल हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग इसमें शामिल नहीं हैं और सिविल कोड से जुड़े मामलों के लिए उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। बड़ी बात यह है कि देश के संविधान में भी समान नागरिक संहिता की जरूरत पर बल दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 44 उत्तराधिकार, संपत्ति अधिकार, शादी, तलाक और बच्ची की कस्टडी के बारे में समान कानून की अवधारणा पर आधारित है। इसके अलावा देश की कई अदालतें भी ये कह चुकी हैं कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। उदाहरण के लिए 1985 में शाहबानों के मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संसद को एक समान नागरिक संहिता की रूपरेखा बनानी चाहिए। 2015 में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ईसाई कानून के तहत ईसाई महिलाओं को अपने बच्चे का नेचुरल गार्जियन नहीं माना जा सकता,
जबकि अविवाहित हिंदू महिला को अपने बच्चे का नेचुरल गार्जियन माना जाता है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक जरूरत है। 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि संसद को समान पारिवारिक कानून लाने पर विचार करना चाहिए, ताकि लोग अलग अलग कानूनी बाधाओं का सामना किए बगैर स्वतंत्र रूप से मिलजुल कर रह सकें। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार इसका विरोध करता रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि ये कानून लागू होने से उसका महत्व पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आरोप है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों पर हिंदू धर्म थोपने जैसा है। अगर इसे लागू कर दिया जाए तो उन्हें 4 शादियों का अधिकार नहीं रहेगा, शरीयत के हिसाब से जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से एक बार फिर भ्रष्टाचार पर बड़ा हमला बोला और भ्रष्टाचार करने वालों के एक बार फिर साफ संदेश दिया कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचार पर पीएम का फिर प्रहार, बोले भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में हर कीमत चुकाने को तैयार। अपने तीसरे कार्यकाल में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया। 15 अगस्त पर 98 मिनट तक दिए गए अपने सबसे बड़े संबोधन में प्रधानमंत्री ने हर मुद्दे पर बात की, पिछले 10 वर्षों में हुए कामकाज का ब्यौरा बताया तो आगे का एक्शन प्लान भी रखा। इस दौरान पीएम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो हर भ्रष्टाचारियों में भय पैदा करना चाहते हैं और इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। भ्रष्टाचार की दीमक से परेशान रहा है, हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया है, उसको अपनी योग्यता क्षमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है, और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं, ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है उस परंपरा को मुझे रोकना है। भ्रष्टाचार देश की एक बड़ी समस्या है और इसका खामियाजा आम आदमी से लेकर खास तक सभी को चुकाना पड़ता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भ्रष्टाचार को रोकना नामुमकिन है? क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। भ्रष्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी भ्रष्टाचारी को उस रास्ते पर जाने से डर लगेगा। 2014 में पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के बाद से अब तक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में कुल 5,155 मामले दर्ज किए हैं, जो 2004 से 2014 के बीच रही यूपीए सरकार की तुलना में 86% ज्यादा हैं, जिस दौरान 1,797 मामले ही दर्ज किए गए थे। केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से की गई गिरफ्तारियां और संपत्ति की कुर्की के मामले में भी मोदी सरकार में पिछली सरकार की तुलना में 25% की वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अभी लंबी है, लेकिन अब तक की लड़ाई के नतीजे साबित करते हैं कि नामुमकिन कुछ भी नहीं।
आज लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर विवाद खड़ा हो गया। राहुल गांधी की रिजर्व सीट की लोकेशन पर कांग्रेस क्यों लाल पीली हो गई, आप देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी पीछे से दूसरी पंक्ति में बैठे हुए हैं, ये तस्वीर आपके सामने, जबकि उनके साथ और उनके आगे की पंक्ति में ओलंपिक्स के पदक विजेता खिलाड़ी बैठे हुए हैं। वहीं सबसे पहली पंक्ति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके बगल में राजनाथ सिंह, अपनी पत्नी के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, और सबसे बाईं तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए हैं। विवाद इस बात पर मचा है कि राहुल गांधी को पांचवी पंक्ति में क्यों बैठाया गया। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और इस हैसियत से उन्हें पहली पंक्ति से सीट मिलनी चाहिए थी। पवन खेड़ा का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को पांचवी पंक्ति में बैठाना पीएम की छोटी सोच है। योग्यता क्षमता का नेता प्रतिपक्ष हैं, हम भी जब सरकार में थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हम पहली या दूसरी रो में बैठाते थे, मुझे अच्छी तरह याद है, ये आपको भी याद होगा। लेकिन इन्होंने जानबूझकर संविधान की सारी परंपराओं को, नियम कानूनों को की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल जी को पांचवी रो में पांचवें स्थान पर बैठाया। ये दिखाता क्या है कि या तो राजनाथ सिंह जी उस बात से आहत हैं कि अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी ने उनको बहुत घेरा और सही किया घेरकर, और या फिर प्रधानमंत्री का छोटापन यहां भी दिख रहा है। और डोडा के घने जंगलों में सेना हेरोइन ड्रोन की मदद से आतंकियों का सर्च ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। डोडा में जैश ए मोहम्मद के कुल चार आतंकियों की घुसपैठ के बाद यह ऑपरेशन शुरू किया गया है। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए आतंक के खिलाफ जारी ऑपरेशन शिवगढ़। मिल गया टेरर रूट, बरसेगा बारूद। आसमानी कैमरे में कैप्चर आतंकी टोला। जैश के आत्मघाती गीदड़ बेमौत मारे जाएंगे। पीओके के आतंकी आका बहुत पछताएंगे। हेलीकॉप्टर, क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर ड्रोन और अब हेरॉन ड्रोन। आतंक का सफाया हाईटेक अंदाज में होगा, दहशतगर्दों को उनके बिल में दफनाया जाएगा। हिट एंड रन की टेरर टेक्निक का तोड़ मिल गया है। पाकिस्तानी बारूदी पिट्ठुओं के पर खच्चे कैसे उड़ रहे हैं देखिए। गोलियों से थर्राता जंगल, मौत से भागते दहशतगर्द, जंगल में सेना का सर्च ऑपरेशन, पहाड़ी रास्ते पर दौड़ती गाड़ियां, आसमान में उड़ान भरते हेरॉन ड्रोन, हेलीकॉप्टर और स्निफर डॉग्स। पाकिस्तान से आए भाड़े के आतंकियों का अंत करीब है, मौत उनके पीछे पड़ी है। दहशतगर्दी डोडा के इन्हीं जंगलों में बनाई गई बिलों में दुबके हुए हैं। ये दहशतगर्द सरहद पार से आए हैं, आतंकी मौत बांटने का ढेरों सामान साथ लाए हैं, पीठ पर वार कर आतंकी भाग जाने की ट्रिक आजमा रहे हैं। लेकिन दहशतगर्दों का बचना अब नामुमकिन है, क्योंकि आतंकियों के नए टेरर रूट का पता चल चुका है। जिस मांद से ये दहशतगर्द भारत में घुसपैठ कर रहे हैं उसकी शिनाख्त हो चुकी है। ऑपरेशन अस्सार के खात्मे के साथ ही टेरर रूट पर एक्शन होगा। लेकिन पहले जानिए कि डोडा में, शिवगढ़ और अस्सार के जंगलों में दो दिन से जारी शूरवीरों के पराक्रमी ऑपरेशन की डिटेल।
सेना ने शिवगढ़ अस्सार बेल्ट में एक आतंकी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। एनकाउंटर में एक आतंकी के घायल होने की आशंका भी जताई गई है। एनकाउंटर स्पॉट से कुछ दूर खून के धब्बे से ये आशंका जताई गई है कि जख्मी आतंकी ज्यादा दूर नहीं भाग पाया होगा। एनकाउंटर स्पॉट से कुछ ही दूर पर गोला बारूद से भरे खून से सने बैग भी बरामद हुए हैं। वहीं मारे गए दहशतगर्दों के पास से अमेरिकी M4 राइफल और AK-47 बरामद की गई है। आतंकियों का खात्मा करने के लिए भारतीय सेना के जवान जो है वो घने जंगलों में पहुंचे हुए हैं, लेकिन आगे जाने की अनुमति हमें यहां से नहीं मिल रही है। लेकिन आपको बताने की जरूर कोशिश करेंगे, ग्राउंड जीरो पे इस समय हम मौजूद हैं। आपको बताने की जरूर कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही है और आतंकियों को निस्तनबूद करना आज लाजमी हो चुका है, क्योंकि चारों तरफ से वो ट्रैप हो चुके हैं, आतंकियों को घेर लिया गया है। आतंकवादी अस्सार बेल्ट के घने जंगलों के बीच बहने वाली नदी के किनारे उस इलाके में छिपे हुए हैं। इन दहशतगर्दों को सेना ने 13 अगस्त से ट्रैक करना शुरू कर दिया था। पहली बार आतंकी टोली की मंगलवार की शाम 6 बजे उधमपुर में निशानदेही हुई, जिसके बाद आतंकियों की लोकेशन की घेराबंदी सेना ने कर डाली। शाम से ही दहशतगर्दों से मुठभेड़ शुरू हो गई। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, आतंकियों के हमले तेज हो गए, मगर सुरक्षा बलों ने रात भर में इलाके को चारों ओर से घेर लिया। सेना से घिरने के बाद दहशतगर्दों ने फायरिंग रोक दी, लेकिन सुबह जैसे ही सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, टेरर ब्रिगेड ने फिर से बारूद बरसाना शुरू कर दिया। इस मुठभेड़ में ऑपरेशन को लीड कर रहे कैप्टन दीपक सिंह घायल हो गए। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कैप्टन दीपक सिंह की जान नहीं बचाई जा सकी। कैप्टन दीपक सिंह की शहादत के बाद दो दहशतगर्दों को जवानों ने ढेर कर दिया। शहीद कैप्टन दीपक सिंह उत्तराखंड के देहरादून के रहने वाले थे। देहरादून के रेस कोर्स में कैप्टन दीपक सिंह का घर है। कैप्टन दीपक सिंह साल 2020 में कमीशन हुए थे। कैप्टन दीपक सिंह 48 राष्ट्रीय राइफल में थे और जम्मू में पोस्टेड थे। कैप्टन की शहादत के बाद सेना ने आतंकियों के सफाए का मिशन और तेज कर दिया है। हालांकि जंगल में जारी ऑपरेशन में बड़ी चुनौतियां सामने आ रही हैं। सुरक्षा बल के मुताबिक मौसम की दुश्वारियों का फायदा आतंकी बखूबी उठा रहे हैं। सरहद पार से आतंकियों की घुसपैठ में भी तेजी आई है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस जम्मू संभाग में आतंकियों के खिलाफ फुल फोर्स में मिशन में जुटी है। आतंकियों और उनके मददगारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना ही। खबरें जारी हैं।